बिहार सरकार का विधायी नियम है कि वो सिर्फ EBC को रिजर्वेशन देगी स्थानीय निकाय चुनाव में, OBC को नहीं। आयोग का गठन करना है, जो इसके सही हकदार है उनको हक पूरा मिलेगा और दिसंबर तक चुनाव होने की पूरी तरह से संभावना है। उस स्टेटमेंट को हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके ये मैंने ऑब्जर्वेशन दिया, कुछ ऑब्जर्वेशन दिया कि उसके लाइट में डेडिकेटेड कमीशन के रिपोर्ट के लाइट में चुनाव होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। नगर निकाय का चुनाव का जो आरक्षण को लेकर ओबीसी और ईबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में मामला चला गया था और उसको लेकर आज सुनवाई थी। आज हमारे साथ सुनील जी जुड़े हुए हैं जो कि याचिकाकर्ता हैं, इन्होंने ही रिट दायर किया था और उसके बाद यह चुनाव जो है वो रुक गया था। सुनील जी, आज फैसला आया है, क्या कुछ कहते हैं इस पर, कैसा क्या मामला है? नहीं, बहुत सत्य की विजय हुई है और जो हम लोगों ने मांग किया था, आज माननीय उच्च न्यायालय पुनः सरकार के पुनर्याचिका के बाद भी मान लिया गया और आयोग का गठन करना है, जो इसके सही हकदार हैं उनको हक पूरा मिलेगा और दिसंबर तक चुनाव होने की पूरी तरह से संभावना है। पूरा मामला मुझे बताइए सर, जनता को पूरा मामला बताइए, क्या हुआ था और किस तरह के फैसले आए हैं सामने? ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का एकदम स्पष्ट आदेश है कि कैसे आरक्षण करना है और उसी के तहत हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ही चुनाव हो बिहार में, अन्यथा जीतने के बाद भी कुर्सी गंवानी पड़ती और ये हुआ है तो ये सत्य है। और आज माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोग के न्याय की बात मान ली, सर्वोच्च न्यायालय का जो गाइडलाइन था उसके तहत ही अब आदेश पारित हुआ है और चुनाव संभवतः दिसंबर तक होगी। आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और जो छूटे हुए थे जो वंचित थे उनको मिलेगा, नए सिरे से ही आरक्षण मिलना तय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ याचिकाकर्ता जो इनके साथ जो वकील हैं वो भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? राजीव रंजन जी, मुझे ये बताइए आज जो फैसला आया है उससे कितने आप लोग संतुष्ट हैं, कितने खुश हैं? हमारी जो मांग थी पटना हाई कोर्ट से मांग की पूरी की गई है, इसलिए हम तो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हम जिस चीज़ के लिए आए थे वो हमें मिल गई। और भी कुछ निर्देश दिए गए हैं क्या? अभी तो ऐसा कोई निर्देश नहीं है। अच्छा, जो मामला था ओबीसी और ईबीसी को लेकर, क्या मतलब लोहार जाति और कुछ को लेकर, उसका थोड़ा सा पूरी तरीके से मुझे बताइए किस में उसको रखा गया? चूँकि बिहार सरकार का विधायी नियम है कि वो सिर्फ EBC को रिजर्वेशन देगी स्थानीय निकाय चुनाव में, ओबीसी को नहीं जाएगी। ईबीसी को दी जाएगी। और क्या लग रहा है चुनाव कब तक होगा? दिसंबर तक उम्मीद है। चलिए, तो आपने सुना, याचिकाकर्ता भी हमारे साथ हैं, इनके तरफ से जो वकील हैं वो भी हमारे साथ, राजीव रंजन जी भी जुड़े हुए थे। अब हम बात करते हैं जो स्टेट चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील हैं उनसे हम थोड़ा सा बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं इस मुद्दे पर। उसमें सरकार ने स्टेटमेंट दिया है माननीय उच्च न्यायालय को कि हम डेडिकेटेड कमीशन बना रहे हैं, उस स्टेटमेंट को हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके ये मैंने ऑब्जर्वेशन दिया, कुछ ऑब्जर्वेशन दिया कि उसके लाइट में डेडिकेटेड कमीशन के रिपोर्ट के लाइट में चुनाव होगा। सर, ये भी बताया जा रहा है कि पुराने रोस्टर पर जो है, जो रोस्टर सरकार का था, कुछ फेर बदल करके उसके चुनाव। इस बिंदु पर माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ नहीं कहा और सारा रिपोर्टेशन जो है नॉट प्रेस करके डिस्पोज कर देते हैं। कुछ नया भी कुछ हुआ? कुछ नहीं। इसके सिवा सरकार बोली है चुनाव कराने, सरकार ने कुछ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि डेडिकेटेड कमीशन के रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग चुनाव कराए। तो आपने सुना, नगर निकाय का चुनाव का जो आज फैसला आया है, जो कि मामला कोर्ट में चला गया था उसको लेकर फैसला जो आया है, फैसला याचिका के फेवर में आया है। जो आरक्षण, जो ओबीसी और ईबीसी का मामला था, जो आरक्षण का मामला था उसके फेवर में आया है और जो मामला, इन लोग का कहना है कि ओबीसी नहीं बल्कि ईबीसी के फेवर में मामला आया है। चलिए, हम और एक चीज़ और, जो ऐसा कि यहाँ सुनने में आ रहा है कि यह जो चुनाव जो है, चुनाव दिसंबर को हो जाएगा। चलिए, अब देखना होगा कि क्या वाकई में चुनाव दिसंबर तक हो जाएगा या नहीं। लेकिन जिस तरह से अच्छी बात सामने निकल के आ रही है कि नगर निकाय के चुनाव फिर से अब दिसंबर तक होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।